सो भाई लोग कैसे हो, हाल चाल बढ़िया साहब। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो आज की इस वीडियो में हमारे पास में है एक न्यूट्री प्रो कंपनी का ब्लेंडर बोले या मिक्सर ग्राइंडर बोले, जो भी कहे तो ये है। तो कंपनी जो क्लेम करता है ये जो है 500 वाट का एक ब्लेंडर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इसी ब्लेंडर को टेस्ट करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे कि ये सही है जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है या फिर इसको लेना एक जो है हमारा नुकसान होगा, तो वही देखेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो है ब्लेंडर कैसा है। तो भाई लोग बेसिकली ये है ब्लेंडर न्यूट्री प्रो कंपनी का। तो ये जो है कुछ इस तरह से इसका पैकेज में आता है ये। तो बेसिकली इसके अंदर जो भी है हमने यहाँ पर रख लिया है, ये जो है खाली डब्बा है और डब्बे को फेंक दिए हैं। तो ये है हमारा ब्लेंडर। ब्लेंडर के साथ हमको एक कंटेनर मिलता है, ये एक कंटेनर मिलता है और ये एक छोटा सा कंटेनर मिलता है। तो इसके अंदर हमने जो है पानी डाल रखा है इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये वाला जो कंटेनर है ये आपका मतलब इसका भी काम आएगा, और अगर इसको आप निकाल देंगे और ये वाला को अगर आप लगाएंगे तो ये जो है एक आपका बोतल बन जाएगा, और अगर इसको लगाएंगे तो ये जो है एक सील्ड कंटेनर बन जाएगा। तो ये जो है एक ऑल इन वन सा कंटेनर हमको मिलता है इसके साथ। ये वाला जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको तीन कंटेनर वाला सेट लेते हैं तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप दो कंटेनर वाला लेते हैं तो आपको ये दो मिलता है। ये वाला जो है ये ऑप्शनल है। तो ये वाला जो है आपका सिर्फ इसमें ही काम आएगा, ये जो है आपका कंटेनर नहीं होगा। तो इसके साथ ये वाला जो है ये फिट नहीं होगा, ना तो ये वाला फिट होगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ से ये ठीक से खड़े भी नहीं होता है। ये वाला जो है इसके लिए बना गया है ताकि ये जो है आप बोतल की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको जो है एक कंटेनर की जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी है, बढ़िया है। तो इसका जो प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब जमाने से ही पता चल रहा है कि ये जो है बढ़िया सा क्वालिटी का है। ये जो है ये भी बढ़िया है, ये वाला भी जो है ये बढ़िया है। तो ये सब भी मिलता है इसके साथ ब्लेंडर के साथ। तो ये वाला जो है ये गोल्डन कलर का है, इसके साथ एक सिल्वर कलर का भी मिलता है, तो हम जो है गोल्डन कलर का ही ले लिए हैं। तो नीचे के साइड पे जो है इसका जो है स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो है 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर है, वो हम टेस्ट करेंगे कि ये कितना वाट लेता है। तो यहाँ पर जो है एक सेफ्टी के लिए दिया गया है कि आप इसको जो है लगातार एक मिनट चला सकते हैं, और एक मिनट के बाद एक मिनट इसको ऑफ करना होगा, तभी जो है ये जो है आपका लाइफ लॉन्ग ये चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, मतलब रेटेड जो यूसेज है इसका, मतलब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अगर देखें तो ये जो है आप लगातार एक मिनट चला सकते हैं, फिर एक मिनट बंद करना होगा, फिर आप एक मिनट चला सकते हैं, फिर एक मिनट ये जो है बंद होगा। मतलब ऐसे आपको अल्टरनेट करके इसको चलाना होगा ताकि ये जो है मतलब आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, नहीं तो ये जो है इसका जो कॉयल है वो जल सकता है या फिर ये जो है थोड़ा सा हीट हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक छोटा सा ही ब्लेंडर है। ये जो है एक पोर्टेबल सा ब्लेंडर है, ये इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप जो है इसको कहीं पर भी प्लग इन करके इसको चला सकते हैं। इवन ये जो है इन्वर्टर से भी आपका चल जाएगा। बड़ा वाला जो मिक्सर ग्राइंडर आता है वो आपका इन्वर्टर से, नॉर्मल जो इन्वर्टर होता है उससे ये नहीं चलता है, लेकिन ये वाला जो ब्लेंडर है ये चल जाएगा आसानी से, क्योंकि ये जो है सिर्फ 500 वाट का ही है। और हमारे घर में जितना भी इन्वर्टर नॉर्मल आज के दिन लगा जाता है वो जो है लगभग 800 VA का इन्वर्टर होता है। तो 800 VA मतलब वो लगभग 600 वाट के आसपास ये लोड ले लेता है, और ये जो है 500 वाट का है। मतलब इसके साथ आप एक लाइट भी चला सकते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ।
अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर है या फिर 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तब तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये तो चलेगा ही चलेगा, बड़ा वाला भी चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है हमारा ब्लेंडर। तो चलिए अभी जो है इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि बिना लोड पे और लोड पे और सिर्फ कंटेनर लगाने के बाद कितना वाट ये लेता है। तो उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि ये जो है कैसे ऑन होगा। तो अभी जो है इसके अंदर हमने प्लग इन कर लिए हैं, इसके अंदर जो है करंट आ रहा है, लेकिन अभी देख सकते हैं ये जो है ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये तीन, तो ये तीनों के तो ये जो है इसका स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। तो अभी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऑन ऑफ स्विच है, तो इसको हम अगर हम दबाएंगे तो ये जो है चालू हो जाएगा। देख लीजिए, देख सकते हैं अभी जो है ये घूम रहा है, छोड़ने से ये जो है बंद हो गया, मतलब इसका जो स्विच है वो यहाँ पर है, इसको दबाने से ये चलेगा, छोड़ देने से बंद हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक आपको स्विच मिलता है, ये अगर आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये दबाने से भी नहीं चलेगा। तो अभी देख लीजिए मैं वो नीचे से ऑन करता हूँ अभी, तो देख लीजिए ये जो है कुछ इस तरह से है। आपको जो है ये कंटेनर लगाने के लिए आपको पहले ये वाला जो इसका ब्लेड है वो आपको इसके साथ लगाना होगा, उसके बाद जो है आप देख लीजिए यहाँ पर जो है तीन ग्रुप दिया गया है और यहाँ पर भी तीन ग्रुप है, तो ये आपको जो है मैच कर लेना है। आपको देख लीजिए ये जो है अंदर चला गया है और इसको जो है क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, मतलब ऐसे घुमाना है तो ये जो है टाइट होगा, लॉक होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मतलब उल्टा घुमाएंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे है। अभी नीचे से हम जो है ऑन कर देंगे तो ये जो है चालू हो जाएगा। ठीक है, पर अगर यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं है सिर्फ ये जो स्विच काम नहीं करेगा, मतलब ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका यहाँ पर भी एक स्विच दिया गया है, तो ये जो है एक सेफ्टी है। तो बेसिकली हमको दो ब्लेड मिलता है, एक जो ब्लेड है वो ये है और दूसरा ब्लेड जो है वो इसके साथ लगा हुआ है। अभी इसको जो है ओपन करके भी दिखा देते हैं, तो कुछ ऐसा है ये वाला ब्लेड। तो दोनों ब्लेड जो है वो लगभग सेम है, तो ये वाला जो है आपका आइस वगैरह को काटने के लिए है, अगर आप लस्सी वगैरह बना रहे हैं तो ये वाला ब्लेड काम आएगा, और अगर आप कुछ सब्जी वगैरह या फिर फल वगैरह को काट रहे हैं तो ये वाला ब्लेड आपका ज़्यादा काम में आएगा। चलिए अभी जो है इसको लगा देते हैं हम। हमने जो है इसको लगा दिया, तो ये जो है सबसे छोटा वाला कंटेनर जो है ये आपका 300 ml का कंटेनर है और ये दोनों ही जो है 500 ml का कंटेनर है, तो इसलिए ये वाला जो है आपका ऑप्शनल है। तो चलिए अभी जो है इसको हम देख लेते हैं कि ये जो है पानी के साथ ये कैसा काम कर रहा है, कि ये चालू हो रहा है या फिर हीट हो रहा है, वो भी हम देखते हैं। देख सकते हैं अभी जो ये काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है, देख सकते हैं अंदर जो है पूरा पानी को ये जोर जोर से घुमा रहा है। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, काफ़ी शोर हो रहा है। तो चलिए अभी जो है इसका हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो है बिना लोड कंडीशन पे कितना वाट ले रहा है, खाली कंटेनर पे ये कितना वाट ले रहा है और फुल लोड कंडीशन पे ये कितना वाट ले रहा है, वो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। अभी जो है हमने यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ कर लिया है, यहाँ पर वही वाला हमारा बोर्ड है और ये है हमारा न्यूट्रीप्रो कंपनी का ब्लेंडर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, जैसे ही हम जो है इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ब्लेंडर चालू होगा, लेकिन हम जो है नीचे से इसको बंद कर रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसको यूवी देख लेते हैं फ्री कंडीशन पे ये कितना वाट ले रहा है। तो चलिए अभी जो है ब्लेंडर को ऑन करते हैं, तो अभी जो है देख सकते हैं ये जो है एकदम फ्री में चल रहा है, कोई लोड नहीं है, तो उस कंडीशन पे ये जो है 82 वाट के आसपास ये ले रहा है। तो चलिए एक बार इनिशियल वाट भी देख लेते हैं, मतलब स्टार्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस कंडीशन पे ये कितना लेता है।
तो देख सकते हैं ये जो है 140 के आसपास ये ले रहा है स्टार्टिंग कंडीशन पे। तो कॉयल जो है मतलब जो इंडक्टिव लोड होते हैं वो जो है स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा वाट लेता है, फिर वो कूल आरपीएम पे जब पहुंच जाता है तो उसका वाट कम हो जाता है। तो इंडक्टिव लोड में यही चलता है, मतलब यही फंडा है। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं 140 है। तो चलिए अभी जो है हम सिर्फ इसका ये वाला देखते हैं, मतलब खाली कंटेनर पे ये जो है कितना वाट लेता है। सो भाई लोग अभी देख सकते हैं हमारा कंटेनर जो है वो पूरा खाली है। तो चलिए अभी जो है इसको ऑन करते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये जो है 101 के आसपास ये वाट ले रहा है। तो चलिए इसका जो है इनिशियल लोड भी देख लेते हैं। देख सकते हैं अभी जो है इसका इनिशियल लोड थोड़ा सा कम हो गया है, 171 के आसपास ये जो है लोड ले रहा है। तो अभी देखते हैं हम फुल लोड पे, मतलब पूरा पानी है एकदम ऊपर तक भरा हुआ है उस कंडीशन पे ये कितना वाट ले रहा है। देख सकते हैं पानी जो है एकदम घूम रहा है बहुत अच्छे से और ये वाट ले रहा है 275 के आसपास ये जो है लोड ले रहा है। तो काफ़ी अच्छे से जो है हमारा ब्लेंडर काम कर रहा है, ये जो है बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है एकदम, मतलब जैसे पहले में था वैसा ही ये काम कर रहा है। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम इस पानी को इसमें डालते हैं और फिर इसको चलाते हैं, क्योंकि ये जो है छोटा कंटेनर है तो इस पर जो है लोड ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे हम इसको थोड़ा बड़ा कंटेनर पर यही पानी डालेंगे तो इसका लोड थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो वो ही हम देखते हैं। हेलो, अभी जो है हमने वही पानी डाल दिए हैं इसमें और आप देख सकते हैं लगभग अगर हम ऐसे करेंगे तो देख सकते हैं लगभग 400 के आसपास ये पहुंच चुका है, 400 ml के आसपास। तो चलिए अभी जो है इसको ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो है हमारा पानी घूम रहा है और वाट जो है ये हाँ थोड़ा सा कम हो चुका है 211 वाट। तो अभी जो है इसको घूमने के लिए इतना बड़ा जो है आपको जगह मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है पूरा भर चुका था तो इसलिए जो है वाट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। तो स्टार्टिंग भी जो है इसका कम है और रनिंग लोड भी इसका कम है, तो ये जो ब्लेंडर है एकदम सही से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। सो भाई लोग बेसिकली यही था आज का हमारा न्यूट्री प्रो कंपनी का ब्लेंडर। तो ये जो ब्लेंडर है काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है, इसमें कोई खामी नहीं है, अभी तक मुझे कोई खामी इसके अंदर नहीं नज़र आए हैं। तो आगे यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो है ब्लेंडर कैसा है, ये कितना दिन चल रहा है वो देखना ज़्यादा, मतलब हमको वही सबसे ज़्यादा देखना है कि ये जो है इसका लाइफ कितना है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के अनुसार जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है इसको लगातार 1 मिनट चलाएंगे, फिर 1 मिनट जो है आपको बंद करना होगा, फिर 1 मिनट चलाना होगा। तो हम जो है रेगुलरली इसको यूज़ करेंगे। अभी हमारा बड़ा वाला जो ब्लेंड मतलब जो मिक्सर ग्राइंडर है उसको हम थोड़ा सा साइड कर देंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो है मतलब होम यूज़ के लिए ही है और छोटा मोटा जब आपका ज़रूरत होगा उस चीज़ के लिए है। ज़्यादा बड़ा आपका फैमिली है तो ये वाला ब्लेंडर मेरे हिसाब से इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप बड़े वाला ब्लेंडर ही ले लीजिए। तो बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो था वो यही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना। तो फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे। तो टिल देन बाय बाय।